स्टार्ट कीजिए सर। आज की पत्रकार वार्ता में आए साथियों का स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी के 9 विधायक नव नियुक्त माननीय उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार जी के साथ मुलाकात करने गए। जैसा कि साथियों को पता है कि संविधान के तहत दिल्ली राज्य में 3 ऐसे विषय हैं, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जो कि सीधा उपराज्यपाल के पास आते हैं। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो अन्य राज्यों की तरह दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के पास आते हैं। हम साथियों ने दिल्ली के अंदर लॉ ऑर्डर की मुसीबतें, डीडीए की मुसीबतें, सबके ऊपर माननीय उपराज्यपाल जी का ध्यान आकर्षित करना चाहा कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर लॉ ऑर्डर की मुसीबत बहुत बढ़ गई है, एक ऐसे लिमिट को क्रॉस कर गई है कि आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। किस प्रकार से डीडीए के अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की गई, मैं खुद मेंबर डीडीए रहा, हमने मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन मांगा नहीं मिला, कई ऐसे कार्यक्रम के लिए जमीन मांगा नहीं मिला, तो किस प्रकार से डीडीए भी दिल्ली वासियों की आशाओं के अनुरूप नहीं उतर पाया, इस बात का संज्ञान माननीय एलजी साहब को दिया। आजकल जिस प्रकार से एमसीडी का चुनाव जो अप्रैल में होना था, किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से चुनाव को कैंसिल किया गया और फिर सीधा सीधा एमसीडी का कंट्रोल भाजपा की केंद्र सरकार ने ले लिया, तो सभी साथियों ने इस बात का भी उल्लेख माननीय उपराज्यपाल से किया कि किस प्रकार से एमसीडी के अंदर के अंतर्गत आ रही जितने सर्विसेज हैं उसका पालन नहीं हो रहा, दिल्ली में सफाई नहीं हो रही, दिल्ली में मुसीबतें हैं। हमने हर साथी ने इस बात को माननीय एलजी साहब को उनके संज्ञान में लाने का प्रयत्न किया कि जो विषय संविधान आपके अंतर्गत ला रहा है, डीडीए, पुलिस और एमसीडी, उसमें बे इंतहा मुसीबतें हैं। लेकिन मैं साथियों के बिहाफ पे बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि माननीय एलजी साहब ने करीब करीब हर विधायक साथी को यह कहा कि सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, पूरी दिल्ली हमारी है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट, इस प्रकार का वक्तव्य माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय उपराज्यपाल महोदय से आए, जबकि हमने बार बार इस बात को कहा कि जिस जो जो सब्जेक्ट मैटर, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, जितनी सब्जेक्ट मैटर माननीय केजरीवाल जी के अंतर्गत आ रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय मापदंड स्थापित किए गए। हमने इस बात को कहना चाहा कि इसी प्रकार का मापदंड, इसी प्रकार का स्टैंडर्ड्स हम विधायक साथी आपसे उम्मीद कर रहे हैं
कि आप डीडीए में भी लाएंगे, पुलिस में भी लाएंगे और एमसीडी में भी लाएंगे। लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि जिस मसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस के अलावा सारी के सारे सब्जेक्ट मैटर्स चुने हुए मुख्यमंत्री के अंतर्गत आएगा, उसके बावजूद भी माननीय उपराज्यपाल महोदय का यह कहना कि पूरी दिल्ली मेरे पास है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें आशा थी कि वो पिछले उपराज्यपाल की तरह नहीं बल्कि नए व्यवस्था के अंदर एक सामंजस्य लेके चलेंगे, संविधान का आदर करेंगे, संविधान में दिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा मानेंगे, तवज्जो देंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से ऐसा कोई मैसेज, ऐसी कोई फीलिंग देने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया कि हम अपने संवैधानिक दायरे में रहेंगे। यह बात आपके माध्यम से पूरी दिल्ली को कहना चाहता हूं कि ये अधिकार आपके हैं, आपके अधिकार को, चूंकि आपने तीन बार, एक बार नहीं तीन बार माननीय केजरीवाल साहब को अपने मुख्यमंत्री चुना और इस करके चुना कि आपके आशाएं, आपके सपने माननीय मुख्यमंत्री पूरा कर सके। लेकिन भाजपा के द्वारा नियुक्त माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार जी, उनका एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज से यह दिखा कि जो अधिकार दिल्ली वासियों ने माननीय केजरीवाल जी को सौंपा है उसमें उनका हस्तक्षेप करने की उनकी पूरी तमन्ना है। इस प्रकार से उन्होंने अपने वक्तव्य रखे, अपने स्टेटमेंट्स दिए। मुझे दुख उस बात का हुआ और जब उन्होंने, मेरे साथी प्रवीण ने जब ये बात कही कि आपके पास तीन मसले हैं, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, तो उन्होंने कहा गलतफहमी मत रहना, सारे हमारे ही हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब का दिया संविधान, संविधान के तहत दिए आपको अधिकार, संविधान के तहत जो लाइन खींची गई है उपराज्यपाल और चुने हुए मुख्यमंत्री के बीच, उसका वो आदर करेंगे, उसके अनुरूप काम करेंगे। और कुछ उस बात आगे क्या होगा? देखिए, हमारे भाग्य में लिखा संघर्ष करते रहना, हम संघर्ष करते रहेंगे। मैंने कई बार इस बात को कहा भी है कि जिस प्रकार से ये धीरे धीरे एक चुनी हुई सरकार का के हकों को मार रहे हैं, वो मुझे लगता है कि एक बड़े खतरे की तरफ हमें आगाह होना चाहिए, जग जाना चाहिए। क्योंकि पहले इन्होंने, आपको याद होगा, एंटी करप्शन ब्रांच छीना, उसके पहले पूरी दिल्ली में हाहाकार था जब हमारी पहली सरकार आई थी। पूरे दिल्ली में एक ऐसा वातावरण बन गया था, हर तरफ लोग भाग रहे थे, मुफ्त में सारे काम हो रहे थे, करप्शन करीब करीब दूर हो गया था। माननीय मोदी जी जैसे बने, 40 साल पुराना एंटी करप्शन ब्रांच छीन लिया। मुझे बहुत दुख हुआ था जब एक करप्ट, एक रंगे हाथ पकड़ा कांस्टेबल के साथ केंद्र सरकार खड़ी हो गई थी उसको बचाने के लिए। फिर इन्होंने सर्विसेज छीन लिया,
फिर एमसीडी छीन लिया, और अगर ये जारी रहा तो कल को संविधान भी हटा देंगे ये, और अपने आप को ये किंग साबित कर देंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब देशवासियों को, दिल्ली वासियों को आने वाले खतरे की तरफ जग जाना चाहिए। जो एटीट्यूड दिखा माननीय उपराज्यपाल में, वो ये दिखा कि संविधान की जो खिंची हुई लकीर है उसको शायद ये नहीं मानना चाहते। धन्यवाद। जो लक्ष्मण रेखा है वो सुप्रीम कोर्ट ने खींची थी, इस बार भी आप उनसे उम्मीद रखते हैं उसको लाने जा रहे हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो रिलीफ हमें दी थी और साफ साफ ये बात कह दी थी कि तीन विषयों के अलावा किसी और विषय पे माननीय मुख्यमंत्री ही आधिकारिक रूप में मुखिया होंगे, उन्हीं का फैसला मान्य होगा, तो इसका तो हम सबको, चूंकि उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है जो लकीर सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की, जो संविधान के द्वारा खींची गई लकीर हो, तो उसका मान, उसकी उसका आदर सबको करना चाहिए। सर, अभी सक्सेना जिससे समन्वय नहीं बन पाया है, एक महीने का वक्त नहीं हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि जो जमीनी मुद्दे हैं तमाम, क्या फिर एक बार बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार और कैसे समन्वय बनेगा, सरकार कैसे देखिए, इस सक्सेना साहब की बात नहीं है। सक्सेना साहब तो जब तक ऑफिस में हैं, जब तक वो अपने आकाओं का कहना मान रहे हैं, तो उनके आकाओं ने जो कहा होगा उनको, उसको कार्यान्वयन करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पे किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम सब संविधान का आदर करते हुए अपने अपने दायरे में रहें। हम यहाँ पे जो दिल्ली की जनता ने संविधान के दायरे में माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को ताकत दी, वो ताकत संविधान की दी गई ताकत है, उसको किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके से नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से उसी संविधान ने पुलिस, डीडीए और लॉ एंड ऑर्डर की जो दायित्व सौंपा है माननीय उपराज्यपाल महोदय को, मुझे लगता है कि उसे तंदुरुस्त करने में वो लगे। जिस प्रकार से पूरे विश्व में केजरीवाल जी के शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल चर्चा है, तो कुछ उससे सीखना चाहिए कि पुलिस में भी ऐसे मापदंड स्थापित किए जाए, लैंड में किए जाए, लॉ एंड ऑर्डर में किए जाए, एमसीडी में किए जाए, तो यही आशा है हमसे। धन्यवाद।